नमस्कार, मैं उद्धव कृष्ण, आप न्यूज 18 लोकल देख रहे हैं। देखिए, अभी हम लोग भगत सिंह चौक मिर्चाई गली में हैं और ये दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है जहां हम लोग आपको अभी लेके चल रहे हैं। देखिए कि ये पूरा गली है जो कि हनुमान मंदिर तक जाता है। ये जो दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है ये विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं। मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद ऐसी मान्यता है कि भक्त वापस आकर के अपने स्वास्तिक को सीधा कर जाते हैं। तो इसी मंदिर की कहानी आपको बताने वाले हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 पर। देखिए, तो आप देख सकते हैं कि गली से होकर के ये रास्ता पूरा गुजरता है जो कि दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर तक जाता है। ये दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर सिटी चौक पे है, स्थित है और सालों भर यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी रहती है। भक्त यहाँ पे पहुँचते हैं मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ही। इस मंदिर की ख्याति मानी जाती है। देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आप शिवलिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शिवलिंग है। ये मंदिर का प्रांगण है, मंदिर का परिसर है। अंदर से आप देख सकते हैं कि और यहाँ पे हनुमान जी की विग्रह है। इस विग्रह के बारे में ऐसी मान्यता है कि ये 300 साल से भी अधिक पुराना है और इसका अवतरण जो है वो धरती से हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं। 300 साल से भी अधिक पुराना ये विग्रह है। सिटी चौक पे ये मंदिर स्थित है। हमारे साथ मंदिर के बाबा हैं वीरू, चलिए बात करते हैं। मंदिर कुमार मिश्रा, जैसे ये मंदिर 300 साल पुराना है, ठीक है। यहाँ पे जब कुछ एक घर बन रहा था ना, तो यहाँ से हनुमान जी मतलब वीरत्रण हुए थे, निकले थे जमीन से। तो यहाँ पे जो घर बनने वाला था तो वो जमीन दिया भगवान को दान, यहाँ पे मंदिर बनाया जाए। आगे बहुत सा सोच चल रहा है कि मंदिर बने और यहाँ पे मतलब क्या भक्त लोग आए ज़्यादा से ज़्यादा, मंदिर का अच्छा से देखभाल हो। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपका उल्टा स्वास्तिक बनाने से हर एक काम हनुमान जी का कृपा से बनता है जी। ये उल्टे स्वास्तिक को बनाने की क्या कहानी है और क्या उल्टा स्वास्तिक? देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे और पूरे बिहार में कहीं पे ऐसा ना है कि ऐसा उल्टा स्वास्तिक कहीं बनता हो। यह पहला मंदिर है कि जहाँ पे वो उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है। काम हो जाने के बाद वो उल्टा स्वास्तिक को सीधा कर देना होता है। जो नारियल आप यहाँ चढ़ाए उसको गंगा जी ले जा कर वितरण करना पड़ता है। तो ये जो नारियल है, क्या ये मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ही ये नारियल बांधे गए हैं? तो इसी के अंदर जो है स्वास्तिक बनाकर जी इसके अंदर एक पर्ची है, वो पर्ची पे आपका सारा चीज दुख दर्द जो है जो प्रॉब्लम है वो लिखा हुआ है। उसके ऊपर स्वास्तिक एक बनकर भगवान को से अपना दुख दर्द सब कहकर यहाँ पे बांध दिया जाता है। जिसका पूरा हो जाता है वो आकर ले जाता है, और नहीं तो एक साल में ऐसे भी भगवान का कृपा से पूरा हो जाता है सबका काम। तो इसलिए एक साल बाद ऐसे भी चेंज हो जाता है सब। तो ये मतलब लोग फिर से सीधा करते हैं, तो इतने नारियल में अपना नारियल वो ढूंढते कैसे होंगे? नहीं नहीं, तो जिसका जिसका बताया उसका नाम है ना उसमें डालो। अच्छा, पर्ची में लिखा है तो पर्ची से अपना नाम देख लीजिए। वो हनुमान जन्म उत्सव हो जाता है ना उसके बाद, हनुमान जयंती के बाद जो है इसे प्रवाहित कर दिया। हाँ जी, तो ये पूरा नारियलों से भरा होता होगा? हाँ जी जी, अभी तो बोले ना कि कुछ दिन पहले, अभी रामनवमी कितना दिन हुआ बीते हुए, अभी इतना आ गया, अभी साल पूरा बाकी है। अभी आप देखते जाइए मंगल शनिचर को भक्त का भीड़ भी काफ़ी होता है। इनको मिला है यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ था, तो यहाँ पे लड्डू गोपाल शुरू से रखे हुए थे, तो इनका स्थान यहीं पे है। मेरा नाम श्रवण कुमार यादव है। और इस मंदिर की क्या विशेषता? इस मंदिर की ये बस विशेषता है कि यहाँ के लोग जो आते हैं पूजा करते हैं उनको जो भी मनोकामना मतलब दिल से जो चाहते हैं उनको मनोकामना पूरा होता है, इसीलिए दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे आकर के भगवान को पूजा करते हैं। बताइए, रामजी शर्मा। और इस मंदिर की क्या महिमा है, क्या मनोकामना? अच्छे आगे जाकर बढ़िया बनेगा। हाँ। मतलब बन रहा है और आप लोग रोज आते हैं? हाँ, रोज आते हैं हम लोग। शनिवार भक्त काफ़ी आता है, काफ़ी ज़्यादा आता है इसलिए, और मंदिर का काम अभी तो चलेगा। देखिए, तो ये जो मंदिर है दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, सिटी चौक पे स्थित है और उल्टे स्वास्तिक का यहाँ पे काफ़ी महत्व माना जाता है। उल्टा स्वास्तिक भक्त बना करके यहाँ से जाते हैं। मनोकामनाएं जब पूर्ण हो जाती है भक्त की तो वो स्वास्तिक को सीधा कराते हैं, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नारियल को एक लाल कपड़े में बांध करके भक्त जो है अपनी मनोकामनाएँ एक पर्ची में लिख करके यहाँ से चले जाते हैं।
साल भर बाद उन नारियलों को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है, या फिर अगर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो भक्त दोबारा आकर के अपनी उस पर्ची में से स्वास्तिक को सीधा कर जाते हैं। यही मान्यता है 300 साल पुराने इस दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर की। आप देख रहे थे न्यूज़ 18, न्यूज़ 18 के लिए उद्धव कृष्ण, पटना।